when i taken charge as a minister, our automobile sector number was seventh in the world. but today it is a great pride and pleasure for me that under the leadership of prime minister mr. modiji, we achieve a really, a very, very respectable stage. now we have just surpassed japan and our number is third in the world.

मैंने बोला यू आप बस मिस करोगे नो नो बट वी हैव प्रॉब्लम वो अपनी बातों में रहे अब उनका सेल कम हो गया और जो आगे उनका बढ़ गया मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि रिसर्च में भी करना ही चाहिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पर सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ देर इज़ ए विल देर इज अ वे एंड इफ देर इज़ नो व्हील देर इज ओनली सर्वे डिस्कशन सेमिनार कमेटी सब कमेटी एंड मैं हाइड्रोजन की गाड़ी और इथेनॉल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी में ही घूमता हूँ तो मैं इसका प्रचार ही करता हूँ ये पेट्रोल डीजल वालों को देश से जैसे अंग्रेजों को हमने भगाया था वैसे <laughs> ट्रैक्टर वाले जो थे उनको यूरो 6 के नाम पर बड़े मेरे ऊपर नाराज़ थे बोले इसको बढ़ा दो मुदत बढ़ा दो मैंने बढ़ा दे तो मेरी एक कंडीशन है तो मैंने सबको बुला रखा है मुझे लिख दो एक साल के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर सी का ट्रैक्टर एल का ट्रैक्टर ये आप लॉन्च करोगे और मार्केट में लाओगे ये लिख के दो मैं यूरो सिक्स के नाम पर नहीं जाता मैं रुक जाता हूँ इलेक्ट्रिक बस केबल बस क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बस हम जो ख़रीद रहे हैं जो महेंद्र पांडे जी जिसके लिए काफ़ी सब्सिडी देते हैं उसमें Lithium, अभी वो भी बंद करने के मूड में है धीरे धीरे <laughs> कैसे चाय कंपनी ने पहले चाय फुकट पिलाती थी अब लोगों को आदत लग गई तो फिर उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया तो महेंद्र पांडे जी का भी अभी अनुभव है अब इलेक्ट्रिक काफी एक्स्टैब्लिश हो रहा है नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रियट टेक्नोलॉजी इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दिट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इन टू वेल्थ अब तो इतनी क्रांति हुई कि इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्लान डाला है ये जो परली है राइस ट्रॉ <coughs> इसको जलाते लोग जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हरियाणा सरकार ने एक हज़ार रुपये टन सब्सिडी दी है उसके लिए और आज परली से हम लोग एक लाख लीटर इथेनॉल बना रहे हैं पानीपत में और डेढ़ सौ टन बायो विटामिन बना रहे हैं और अब वो बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं अब इथेनॉल से भी बायो एविएशन फ्यूल बनेगी हमारे यहाँ दो साल पहले 26 जनवरी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट इथेनॉल पर चले तो हमारे किसानों को समृद्ध संपन्न करना है तो ये जो 12 परसेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है इसको अगर हमको 24 परसेंट तक लेके जाना है तो ये मक्का चावल गेहूँ कितना भी करे इससे उतना प्रॉफिट नहीं निकलना वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता बने विटामिन दाता बने और हवाई ईंधन दाता बने मैंने आज तक जो बोला है 101 परसेंट वो पूरा सिद्ध हुआ है मैं कोई इंडस्ट्री करके मैं कोई बिजनेसमैन करके नहीं बता रहा हूँ आपको पर मेरी बात जो होती है वो हंड्रेड परसेंट होगी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ब्राइट फ्यूचर है और आज वो भी लोग मानने मैं नाम नहीं लेता उनका देश के सब बड़े पांच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में हैं मुझे बोले नितिन जी तुमने कहा था मैंने सीरियसली नहीं लिया मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं रखा मुझे इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा पर अब हमको लग रहा है कि हमने बस मिस की है अगर आपको बस मिस नहीं करनी है तो इमेजिएटली आप तुरंत फास्ट ट्रैक पर आप इन्वेस्टमेंट करिए ई व्हीकल में ई हाइब्रिड व्हीकल में फ्लेक्स इंजन में बैटरी में